अकॉर्डिंग टू WHO मेंटल हेल्थ इलनेस का जो रेशो है वो डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है, और स्पेसिफिकली देखा जाए तो जो हमारी यंग जनरेशन है उसमें स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, निगेटिविटी, लेस कॉन्फिडेंस होना, ये मोस्टली कॉमन होते चले जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डाइटिशियन अंजलि फाटक, एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट फूड आइटम्स दैट कैन रिड्यूस योर मेंटल हेल्थ इलनेस। फिजिकल और मेंटल हेल्थ कोरिलेटेड होते हैं, फिजिकल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यदि आप मेंटली इल हैं तो नेचुरली उसका भी आपके हेल्थ पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, और कुछ बीमारियों के लिए आप रिस्क फैक्टर्स भी हो सकते हैं, लाइक कार्डियक डिजीजेस हो सकती हैं, या PCOD, PCOS हो सकती हैं, इवन फर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इस टाइप से यदि देखा जाए तो अपने को फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए। आजकल जो मेंटल हेल्थ इलनेस की प्रॉब्लम होती जा रही है तो उसके मेन कारण हैं कि कहीं ना कहीं आपको जॉब से रिलेटेड प्रेशर्स हैं, या एकेडमिक आप फेलियर्स हैं, या वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हैं, फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, और पीयर ग्रुप का कोई प्रेशर हो सकता है। तो इस टाइप के ये जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं आपका मेंटल जो स्ट्रेस लेवल्स हैं या मेंटल इलनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। मेंटल हेल्थ इलनेस को ठीक करने के लिए हमें हमारे लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना होगा, जिसमें कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लाइक आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है उसको ठीक करना है, या आपके फिजिकल एक्टिविटी को ठीक करना है, और जो आपके डे का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका डाइट। तो हम आज ऐसे ही फूड्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपके मूड को ठीक करते हैं, मेंटल पीस देते हैं, और मेंटल इलनेस को दूर करने का काम करते हैं। तो आइए हम उन फूड आइटम्स के बारे में बात करते हैं। बनाना एक प्रकार का सुपर फ्रूट है जो कि बॉडी के अंदर सेरोटोनिन और डोपामिन को सीक्रेट करने का काम करता है, जो कि स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करते हैं। सेकंड, बनाना के अंदर पोटेशियम और मैग्नीशियम बहुत अच्छा होता है, जो कि मसल को रिलैक्स करने का काम करता है। थर्ड, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और फाइबर सोर्सेज बहुत अच्छे होते हैं, जो कि आपके गट हेल्थ को भी अच्छा रखते हैं, एक प्रकार का बेस्ट प्रोबायोटिक भी है, और आपके स्ट्रेस को भी रिलीज करने का काम करते हैं। सो बनाना एक प्रकार का सुपर फ्रूट है जो कि मेंटल हेल्थ इलनेस जिनको होती है उनको अपने डाइट में जरूर रखना चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और स्पेशली यदि हम स्पिनच या पालक की बात करते हैं, तो जिनको मेंटल हेल्थ इलनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं सो उन लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि स्पिनच में विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, फोलेट, आयरन, ये बहुत ही अच्छे सोर्सेस के रूप में रहता है, और साथ ही साथ इसमें फाइबर और कैल्शियम भी हैं जो कि आपकी ब्रेन सेल्स को हेल्दी बनाए रखने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्स को आप अपने डाइट का एक रेगुलर पार्ट बनाइए, क्योंकि एग्स के अंदर कोलीन और ल्यूटिन नामक वाइटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपके नर्वस सिस्टम को बहुत ही रिलैक्स करते हैं, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छे होते हैं। साथ ही साथ एग्स के अंदर विटामिन डी, कैल्शियम, जिंक, आयरन, ये बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जो कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। उसके साथ ही साथ उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी पाए जाते हैं। सो एग्स के अंदर बहुत ही अच्छा गुड फैट होता है, जो कि आपके मेंटल हेल्थ को रिलैक्स रखने के लिए काफ़ी अच्छा है। एग्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन्स रहते हैं, जैसे कि विटामिन B6, विटामिन B12 और विटामिन डी, जो कि आपके स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करने का काम करते हैं। सिट्रस फ्रूट्स का मेंटल हेल्थ इलनेस के पेशेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा रोल होता है, और उनको अपने डाइट के अंदर रेगुलरली एक ग्लास सिट्रस जूस का शामिल करना चाहिए, और उन पेशेंट्स को अपने डाइट में आंवला, कीवी, ऑरेंजेस, मौसमीज, इनको शामिल करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत अच्छे होते हैं, और साथ ही साथ वो कॉर्टिसोल हॉर्मोन्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं, जो कि एक प्रकार का स्ट्रेस हॉर्मोन है। सिट्रस फ्रूट जो हैं वो विटामिन सी रिच होते हैं, जो कि आपके मूड को बूस्ट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। आप अपने डाइट में रेगुलरली हैंडफुल नट्स को ज़रूर शामिल कीजिए, चाहे वो स्नैक्स का पार्ट बनाइए उनको, या आप अर्ली मॉर्निंग सोक करके खाएं, पर रेगुलरली खाइए, स्पेसिफिकली एलमंड्स को और वॉलनट्स को, जिसमें कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत अच्छा होता है, विटामिन बी होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, जो कि आपके ब्रेन सेल्स को हेल्दी रखते हैं, मूड को भी ठीक रखते हैं, स्ट्रेस को रिड्यूस करने का काम करते हैं। तो इनको रेगुलर डाइट का एक पार्ट बनाइए। चॉकलेट्स ऑलवेज एक्ट एज अ मूड एनहांसर, और स्पेसिफिकली यदि देखा जाए तो डार्क चॉकलेट्स की हम बात करते हैं, जिसमें कि कोका का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है, और जो कि आपकी ब्रेन सेल्स को हेल्दी रखने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपको स्ट्रेस से भी रिलीफ देते हैं। चॉकलेट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स, पॉलीफिनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स कंटेंट होते हैं, जो कि आपकी ब्रेन सेल्स की फंक्शनिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं।
यदि आप अपने दिन की जो शुरुआत है वो ग्रीन टी से करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्रीन टी के अंदर एक प्रकार के केमिकल कंपाउंड होता है L-थियानिन और कैफीन, और साथ ही साथ कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं जो कि आपके ब्रेन सेल्स की फंक्शनिंग के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं और आपके मूड को भी बूस्ट करने का काम करते हैं, मेंटल रिलैक्सेशन के लिए भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो आपको रेगुलरली 1 कप ऑफ जो है ग्रीन टी अपने डाइट के अंदर शामिल करना चाहिए। आप रात में सोते समय 1 ग्लास वार्म मिल्क ज़रूर लीजिए और उसके अंदर कुछ स्पाइसेस को हम ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि आप केसर कर सकते हैं, टर्मरिक कर सकते हैं या नटमेग या जायफल को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इन तीनों के अंदर एक प्रकार की कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उनमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा होता है, एंटी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है और आपको मेंटली कामनेस देने का कोशिश करती हैं ये, तो और जो कि आपके मेंटल रिलैक्सेशन के लिए और कामनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आप रेगुलरली इनको अपने डाइट में शामिल करें, क्योंकि मिल्क के अंदर एक प्रकार का ट्रिप्टोफेन नामक अमाइनो एसिड है जो कि मेलेटोनिन और सेरोटोनिन को सीक्रेट करते हैं जो कि स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन्स हैं। सो इन सभी सुपर फूड्स के साथ यदि आप 1 आवर का योगा करते हैं और वीकली 1 आवर मेडिटेशन का सेशन करते हैं तो वो आपके मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, उसके कामनेस के लिए, स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए और आपकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ के इलनेस को दूर करने के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। सो आई होप आपको आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो स्टे काम एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।